हे गाइस, वेलकम बैक टू वी माइंड। सो या गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में फिर से पबजी के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली पबजी वापस आ रहा है, आप सभी लोगों को पता है। एंड गाइस, इस वीडियो को बनाने का रीज़न यही था क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है 50% गेमिंग से रिलेटेड ऑडियंस है। बेसिकली जो स्मार्टफोन में मैं गेमिंग टेस्ट करता हूँ, लोगों को पसंद आता है, और पबजी मोबाइल गेम टेस्ट करने से मोबाइल की कैपेसिटी पता चल जाती है। सो गाइस, पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन इंडिया में बैन हुआ था टेंसेंट कंपनी की वजह से। टेंसेंट एक चाइनीज़ कंपनी है, और जो डेटा है ऑडियंस का, जो प्लेयर्स का डेटा है, चाइना में था। तो इसीलिए पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन को बैन कर दिया। एंड गाइस, पबजी कॉरपोरेशन माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप करके इंडिया के कर्नाटका में अपना एक हेडक्वार्टर रेडी कर चुकी है। एंड गाइस, पबजी मोबाइल जो ग्लोबल वर्जन बैन हुआ था वो बैन ही रहेगा परमानेंट। एंड गाइस, आई नो कुछ लोग जो पबजी लवर है वो डेफिनेटली गेम खेल रहे हैं, कोरियन वर्जन खेल रहे हैं, या तिकड़म लगा के कुछ ना कुछ तो करके गेम खेल रहे हैं पबजी मोबाइल। पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन आप नहीं खेल सकते हो क्योंकि गाइस उस पर ISP लेवल तक की बैनिंग हो गई है। और गाइस, कोरियन वर्जन काफ़ी लोग खेल रहे हैं क्योंकि गाइस वो बैन नहीं है, वो लीगल है, इंडिया में आप खेल सकते हो क्योंकि गाइस वो है पबजी मोबाइल कोरियन, एक अलग एप्लीकेशन है, उसे आप खेल सकते हो। सेम इंडिया में पबजी मोबाइल अनबैन हो रहा है, ये गलत स्टेटमेंट है। पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक नया गेम आ रहा है इंडिया में, ऐसा बोल सकते हो आप। आई नो गाइस, खेला हुआ गेम है, लेकिन गाइस एक नई एप्लीकेशन है पबजी मोबाइल। ग्लोबल से कुछ लेना देना नहीं है, नई एप्लीकेशन है, सारा कुछ नया आपको देखने मिलेगा। एंड गाइस, आई एम श्योर कि ये गेम 1 GB के अंदर होगा। सो गाइस, पबजी मोबाइल इंडिया इस नाम से आएगा गेम, और गाइस ये अलग से इंडियन वर्जन आ रहा है तो डेफिनेटली ये आना ही था, ये होना ही था क्योंकि गाइस पबजी कॉरपोरेशन को पता है हमारे जो यूज़र्स है इंडिया में बहुत सारे, इंडिया में हाइप बहुत ज़्यादा है, पबजी के बाद गेमिंग का हाइप बहुत ज़्यादा है क्योंकि पबजी कॉरपोरेशन को भी पता चल गया था कि इंडिया में हर एक बच्चा स्कूल से आता है, स्कूल से आने के बाद सबसे पहले एक TDM गेम खेलता है, उसके बाद लंच करता है। तो इस लेवल तक का हाइप था पबजी का, जैसा कि आपको पता ही है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गाइस, आज मैंने एक आर्टिकल देखा, पबजी कॉरपोरेशन 100 डेवलपर्स एम्प्लॉय को भारत में रखेंगे, बेसिकली हायर करेंगे, और एवरी अपडेट पे चेक करें जो इंडियन प्लेयर्स का डाटा है इंडियन तक ही सीमित है, भारत में ही है या नहीं, क्योंकि सारे स्टोरेज सर्वर इंडिया में ही होने वाले हैं। और तो और, इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी कोऑपरेट करें, जो पबजी मोबाइल का जो हेडक्वार्टर होगा वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी कोऑपरेट करें, उनके डेवलपर्स, और भी बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है, जैसे इंडियन आउटफिट, इमोट्स, एंड आई एम श्योर कि नया मैप भी आएगा जो कि इंडियन मैप होगा। इस आएगा या नहीं आएगा ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, बट गाइस बहुत ज़्यादा चांसेस है इंडियन मैप भी आने का। अगर ये आ गया तो सच में पबजी मोबाइल इंडिया में रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा। एंड गाइस, पबजी मोबाइल इंडिया रिलीज डेट की बात करूँ तो यहाँ पे कोई फिक्स डेट नहीं है, बट डेफिनेटली एक्सपेक्टेड डेट बताऊँ तो आपको दिसंबर के एंड तक पबजी मोबाइल इंडिया आ जाना चाहिए, रिलीज़ हो जाना चाहिए। बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये न्यूज़ कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बता देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही अपडेट के लिए, ऐसे ही कंटेंट के लिए। बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय गाइस। 1, 2